तो यहाँ पे हमारे पास सीबीएसई में पूछे गए सोशल साइंस का जो आज एग्जामिनेशन हुआ है उसके तीनों सेट, सेट वन, सेट टू, सेट थ्री का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप था मैंने सबका आंसर किया है। तो आपका कोई भी सेट हो आप इस वीडियो में बने रहें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका कोई दूसरा सेट है, ये मैं फर्स्ट सेट का रिव्यू कर रहा हूँ, अगर आपका कोई दूसरा सेट है सेट टू या सेट थ्री तो आपका ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होगा। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए और वीडियो रोक रोक के भी आप मिला सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स ऑब्जेक्टिव में सही जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो CWH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो सेक्शन में जाएं और सारे वीडियोस को देखें। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड एज द फर्स्ट जर्मन यूरोप एम्पायर इन 1871। तो इसका होगा वेलहेम फर्स्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर ये दो क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं उस क्वेश्चन इसका बहुत तरीके से इसका आंसर बन सकता है, इसमें कोई भी वन जो है जो देने के लिए आपको कह रहा है कि कोई भी एक सुटेबल दीजिए। तो 1 करोड़ बच्चे, 1 लाख बच्चे होंगे तो उनका आंसर 1 लाख आया होगा, अलग अलग भी वो दे सकते हैं, सेम भी दे सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसका मैंने फुल सॉल्यूशन यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है इसका फिक्स है, हिंद स्वराज को कौन लिखा, तो इसको लिखे महात्मा गांधी, आनंद मठ के लेखक है वंकिम चंद्र, ठीक है। फिर मेजनी, यंग इटली वॉज फॉर्म्ड बाय मेजनी, ओके, तो ऑप्शन इसमें मेजनी होगा। फिर वेलम क्या है, तो एक पर्चमेंट है जो एनिमल के स्किन से बनाया जाता है। फिर इसमें पूछ रहा है कि कौन सा, किसने कहा था कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, तो इसको बोला था मार्टिन लूथर ने, ये बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था। अब ये जो देख रहे हैं इसमें भी सैकड़ों बच्चों ने सैकड़ों आंसर लिखा होगा, तो मैं भैया इन सबों को टच ही नहीं करूंगा क्योंकि बच्चे फिर वहां पे चिल्लाना शुरू करते हैं कि सर यहाँ पे मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो आप देख लो, ठीक है। तो नेम द सी पोर्ट डेट वॉज डेवलप्ड ऑन द रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन द मुंबई पोर्ट, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट होगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे जगह का भी नाम दे दिया है तो सही है, अगर ये नाम नहीं देख के ओनली स्थान का नाम दिया है, प्लेस का नाम दिया है, तो भी आपको हाफ मार्क्स तो मिल ही जाने चाहिए। अब ये सीबीएसई पे डिपेंड करती है। फिर अगर कोलकाता वाला भरना था तो इसमें हल्दिया सी प्लांट सी पोर्ट होगा। फिर कौन सा है जो जहां नरोरा न्यूक्लियर प्लांट लोकेटेड है, तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें बॉक्साइट माइंस महाराष्ट्र में है, यही करेक्टली है, बाकी कोल वाइल फील्ड्स जो है जो झारखंड में है तो ये गलत कर दिया है, गुजरात में कर दिया है। मयूरभंज जो है जो उड़ीसा में है ये, तो बाकी सारा गलत है पेयर। इसमें बॉक्साइट माइंस महाराष्ट्र में भी बॉक्साइट के माइंस पाए जाते हैं, तो बी हमारा सही है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि गोबर गैस जो प्रोवाइड कर, जो फार्मर्स को दो चीज़ें प्रोवाइड करती है कौन कौन, तो एक तो मैन्योर देती है और दूसरा एनर्जी देती है, अगर आप इसमें बायोगैस लिख दिया है तब भी ठीक है। फर्टिलाइजर लिख दिया है तो ठीक है, लेकिन मैन्योर होता है, फर्टिलाइजर तो केमिकल ही बनते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैन्योर और एनर्जी या मैन्योर और बायोगैस या बायोगैस मैन्योर ऐसा आपने कुछ लिखा है तो आपको बिल्कुल बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें जो है कि श्रीलंका में मेजोरिटी ग्रुप कौन सा है, तो सिन्हलीज इसमें होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है, एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपको एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस के भी आंसर चाहिए कि सर एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आप कर दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आए और तब तक आप इस वीडियो को शेयर करते रहे, मैं जल्द से जल्द आपके डिमांड पर जिस चीज का भी आएगा कि सर इसको कर दीजिए तो मैं उसको करके लाऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको कुछ भी पता चला हो कि आपका कितना मार्क्स आया है। बाकी आपको कौन कौन से आंसर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। मिलते हैं तुरंत अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।